अभी ये रिवर्स कॉन्टेक्टर, इसको स्टॉप करेंगे, ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, डेल्टा इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज समझेंगे कि एक रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कैसे बनाया जाता है। ड्यूल स्टार्टर के साथ में रिवर्स फॉरवर्ड वायरिंग कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले हम इसकी कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसकी पावर वायरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले इक्विपमेंट के बारे में देख लीजिए। ये MCB है सिंगल पोल का, और एक ये न्यूट्रल लिंक है, एक कॉन्टेक्टर है और ये दूसरा कॉन्टेक्टर है। इसमें L1, L2, L3, इसमें भी L1, L2, L3, और इसका ये A1 और ये A2 है। एक NC पुश बटन है और दो NO पुश बटन है, एक रिवर्स के लिए एक फॉरवर्ड के लिए। एक ऑल ओवर रिले है, इसमें भी NC कॉन्टेक्ट और NO कॉन्टेक्ट दोनों हैं। और हमारे पास इनके लिए एड ऑन ब्लॉक है, इसमें दो NC और दो NO यूज में लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें एड ऑन ब्लॉक फिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, ये इसके एड ऑन ब्लॉक है, इसमें दो NO और दो NC इसमें दिया हुआ है कॉन्टैक्ट। तो हम इसमें इसको इंस्टॉल कर देते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए इसमें ऐसे करके फिक्स कर दिया जाता है। ये फिक्स हो गया है, अभी हमारा कॉन्टेक्टर रेडी है। अब हम इसमें कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें सिंगल फेज सप्लाई की कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक वायर का टुकड़ा लेंगे, जो MCB का आउटपुट होगा उसमें इसको कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद इसका जो ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले के NC पॉइंट में हम इसको कनेक्ट करेंगे। NC पॉइंट के 95 नंबर पर इसको कनेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा जो फेस सप्लाई है वो यहाँ से होता हुआ ओवरलोड रिले से NC से वापस निकलेगा, जो स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट होगा। इसको स्टॉप जो पुश बटन है उसमें इसको कनेक्ट करेंगे एक नंबर पर। ये इसका एक नंबर है और ये NC ब्लॉक इसमें लगा हुआ है, इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इससे जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा जाएगा स्टार्ट पुश बटन पे। जो कि फॉरवर्ड का है, इसके दो नंबर से जो वायर निकलेगा वो हमारा फॉरवर्ड का पुश बटन है, इस पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे तीन नंबर। सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के हम वायरिंग कर लेंगे। ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है और ये रिवर्स कॉन्टेक्टर है। जो स्टार्ट पुश बटन से आउटपुट निकलेगा स्टार्ट पुश बटन जो आउटपुट निकलेगा वो इंटरलॉकिंग के लिए सबसे पहले यूज किया जाएगा रिवर्स कॉन्टेक्टर में। ये रिवर्स कॉन्टेक्टर के NC में कनेक्ट किया जाएगा, रिवर्स कॉन्टेक्टर के NC, यानी कि दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ कभी भी ऑन नहीं हो सकते, इसलिए इसमें इंटरलॉकिंग दी जाती है ताकि कभी भी दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन नहीं हो। यहाँ से सप्लाई स्टॉप उस बटन में, इसके बाद स्टार्ट में, और यहाँ से इसका NC में रिवर्स का में, और रिवर्स से जो NC से आउटपुट निकलेगा NC से जो आउटपुट निकलेगा ये जाएगा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 पर, यानी कि इसकी कोयल सप्लाई पे।
ये A1 है इसका, इसको A1 पे एनसी से होता हुआ इसके A1 पे, यानी कि हम इसको जब सप्लाई देंगे तो यहाँ से होता हुआ ये इसके कॉइल को होल्ड करवाएगा, यानी ये ऑन करवाएगा। अब इसके बाद जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है इसकी होल्डिंग का इसमें कनेक्शन करेंगे, इससे तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा लेकिन होल्ड नहीं होगा। तो होल्डिंग के लिए वायर का टुकड़ा लेंगे, तो इसका जो A1 है यहीं से इसकी होल्डिंग उठाएंगे। में A1 पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, यहीं से इसको काट देंगे और इसको जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है उसी के NO पॉइंट पर हम इसको कनेक्ट करेंगे। इसको हमने NO पे कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद इसमें एक और वायर हमको कनेक्ट करना पड़ेगा जो इसके NO से आउटपुट निकलेगा, इसको हम NO के इस पॉइंट से और जो स्टार्ट पुश बटन है उसके इनकमिंग से इसको कनेक्ट करेंगे 3 नंबर से। ये दोस्तों फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, हम इसको अभी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हम रिवर्स कॉन्टेक्टर हैं उसकी वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक बार सप्लाई देके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें सिंगल पेस सप्लाई देंगे, इसका ये R पेस ले लेंगे और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिंक पे इसको कनेक्ट कर देंगे। सिंगल पेस हमने सप्लाई इसमें कनेक्ट कर दिया, ये पेस और ये न्यूट्रल। अब हम इसके A2 पे सप्लाई कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल की, A2 को हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे, दोनों को कॉमन कर देंगे। ये रिवर्स कॉन्टेक्टर के लिए यहाँ पे इसका A2 में कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल को। तो दोस्तों इसका अभी हम सिंगल फेज सप्लाई इसमें ऑन करेंगे और हम इसको जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर इसको होल्ड करवा के देखेंगे। MCB ऑन है, अभी ये स्टॉप बटन है और स्टार्ट बटन है, तो अभी हम इसको ऑन कराएंगे। ये जो होल्ड हो गया है हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर, यहाँ से ये स्टॉप हो गया, अभी ये ऑन। अब हम इसके बाद इसके रिवर्स कॉन्टेक्टर की वायरिंग करेंगे इससे, तो अभी सप्लाई बंद कर देंगे इसका। इसमें जो फेज आउटपुट निकला था रेड पुश बटन से उसी से इसको कनेक्ट करेंगे। ये जो आउटपुट है इसमें से एक वायर उठाएंगे स्टॉप पुश बटन से, 2 नंबर पे कनेक्ट कर दिया इसको। इसको NO पुश बटन में हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। इससे जो आउटपुट निकलेगा इंटरलॉकिंग के लिए जाएगा, सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में,
ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर, इसके एनसी से इसका इंटरलॉक करेंगे। तो यहाँ एनसी में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों जो एनसी से आउटपुट निकलेगा वो इसका A1 टर्मिनल पर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसकी फोल्डिंग वायरिंग करेंगे। इसके लिए एक वायर कट पूरा लेंगे, तो इसी को जैसे इसमें किया था यहीं से लूप इसमें NO को दिया जाएगा A1 से। ठीक है दोस्तों, एक वायर और लेंगे। और स्टार्ट बटन, स्टार्ट पुश बटन से पहले जो वायर है इसमें, यहाँ से हम वायर उठाएंगे और NO टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों जो रिवर्स कॉन्टेक्टर है उसी के उस बटन से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये दोनों की वायरिंग हो चुकी है दोस्तों रिवर्स फॉरवर्ड, और अब हम इसको चेक कर लेते हैं पावर देके, फिर इसका हम पावर कनेक्शन करेंगे और मोटर से कनेक्ट करके देखेंगे, इसको ऑन करेंगे। अभी ये रिवर्स कॉन्टेक्टर, इसको स्टॉप करेंगे, ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट। जब दोस्तों एक कॉन्टेक्टर लगा होगा तो दोनों एक साथ नहीं लग सकते, इसको हम पुश करके देखते हैं, एक बार में एक ही कॉन्टेक्टर इसमें कनेक्ट होगा। यहाँ से स्टॉप करेंगे तभी दूसरा कॉन्टेक्टर हम ऑन कर सकते हैं। इसमें दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ और नहीं हो सकते क्योंकि हमने इसमें इंटरलॉकिंग की हुई है, इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं होता। इसकी पावर वायरिंग के लिए सेकंड पार्ट जरूर देखें।